NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी. लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से राजद के खेमे में खासी निराशा है. हार का असर पटना के अलावा रांची तक देखने को मिल रहा है. जी हाँ, आपको बता दें कि नतीजों के बाद से जहां लालू परेशान हैं और वह खाना भी छोड़ चुके हैं, वही 5 दिन बाद तक उनसे पार्टी के किसी सीनियर नेता या फिर उनके घर वालों ने भी मुलाकात नहीं की है. बता दें कि रांची के रिम्स में भर्ती लालू यादव की खराब तबीयत के बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अब तक उनसे मुलाकात करने कोई भी नहीं पहुंचा है. सूत्रों की माने तो इस हार से लालू हताश हैं और साथ में चिंतित भी हैं, क्योंकि पार्टी की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब राजद का लोकसभा चुनाव में खाता तक ना खुला हो. हार के कारण ही उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी. बता दें कि रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद का रविवार सुबह अचानक से दम घुटने लगा था और वो चिल्लाने भी लगे थे. इसके बाद डॉक्टरों ने लालू प्रसाद के ब्लड प्रेशर की जांच की थी. हालांकि जांच करने के बाद ब्लड प्रेशर सामान्य निकला, लेकिन जांच में शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया. साथ ही उन्हें कमरे से बाहर निकालकर खुले में आधे घंटे तक बिठाया गया, जिसके बाद उनकी हालत सामान्य हुई. दरअसल लालू की पार्टी बिहार में महागठबंधन को लीड कर रही थी. यही कारण है कि उसने 20 सीटों का पर चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी के 20 सीटों में उनके 4 सहयोगी दल थे, जैसे कि कांग्रेस, हम, रालोसपा और VIP दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को अपने इस बुरे प्रदर्शन का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था. यही कारण था कि छठे फेज के बाद भी तेजस्वी ने बम्पर जीत मिलने का दावा किया था, लेकिन नतीजे ठीक उसके उलट आए और राजद बिहार में अपना खाता तक नहीं खोल सका. लोकसभा चुनाव में झारखंड में RJD का सूफड़ा साफ हो गया. पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था. बता दें कि इस हार को लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष के स्वर हैं. हार की समीक्षा के लिए बिहार में RJD की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है. विधानमंडल दल की ये बैठक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े चेहरे भी मौजूद होंगे. तो वही बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी मंगलवार यानी कि आज सुबह पटना पहुंच चुके हैं. तेजस्वी 23 मई को आए, नतीजों के अगले दिन ही दिल्ली चले गए थे और फिर उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी हुई थी. आपको बता दें कि बैठक में जिन महत्वपूर्ण चेहरों पर नजर रहेगी उनमें से तेज प्रताप यादव, मीसा भारती होंगी. फिलहाल अब तक के लिए इतना ही. लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.